जयपुर के लिए एक विशेष डिज़ाइन की वंदे भारत तैयार हुई है। विशेष डिज़ाइन इसलिए कि जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली जयपुर वाला जो रूट है उस रूट में जो बिजली के तार हैं वो ऊंचे हैं, क्योंकि डबल कंटेनर की गाड़ी चलती है, डबल डेक कंटेनर की गाड़ी यहाँ चलती है। तो उसके लिए एक स्पेशल डिज़ाइन का पेंटोग्राफ डिज़ाइन करके गाड़ी तैयार हो गई है। 24 तारीख को जयपुर पहुंच जाएगी, आगामी 4 दिन के बाद में। जयपुर से हमारे जो टेक्नीशियन मैकेनिक वो ऑलरेडी चेन्नई जाके ट्रेनिंग के लिए चले गए। आज मैंने इंस्पेक्शन किया माननीय सांसद जी के साथ, जो हमारे वंदे भारत की मेंटेनेंस के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो सब ठीक है या नहीं, वो सब सुचारू रूप से तैयार हो चुकी है। तो आप जल्दी से जल्दी, जैसा आपको प्रॉमिस किया गया था कि 31 मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक में वंदे भारत जयपुर में चले, उसकी तैयारी। सर कौन से स्टेशन से ये पहली ट्रेन यहाँ से आना होगी? आपके सामने रूट बहुत जल्दी रखा जाएगा, अच्छा रूट है। सैटेलाइट जो स्टेशन बनाया गया उसका उद्घाटन भी हुआ है सर? जयपुर में बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स किए गए और विशेषकर राजस्थान की अगर हम बात करें, पूरे राजस्थान के लिए मात्र 600-700 करोड़ रुपए थे 2009 से 2014 में, आज उसका 14 गुना 8,500-9,000 करोड़ का एलोकेशन राजस्थान के लिए। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं, जैसे पुष्कर मेड़ता हुआ, रास ब्यावर हुआ, बहुत सारे अभी थोड़े दिन पहले मारवाड़ बावली का जो डबलिंग का काम चालू हुआ, कुछ ही दिनों पहले उदयपुर से अहमदाबाद का रूट क्लियर हुआ कंप्लीट, उसकी मैंने गेज कन्वर्जन कंप्लीट हुआ, कई सारे रूट का डबलिंग हो रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से हो रहा है, और 82 स्टेशन राजस्थान में कंप्लीट वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के काम में लगे हैं। जैसे अपना जयपुर स्टेशन है, कई 82 स्टेशन का कंप्लीट वर्ल्ड क्लास स्टेशन जयपुर राजस्थान में कंप्लीट रेलवे का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करने का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है और उसी तरह हमारी पूरी टीम काम कर रही है। 5 ट्रेन चलेगी और बाकी 5 वंदे भारत ट्रेन थोड़ा इंतजार कीजिए, एक साथ आपके साथ आराम से बैठ के एक एक करके सारे रूट लगाए जाएंगे और बहुत अच्छे रूट हैं जिससे कि जनता को, सभी नागरिकों को